शनिवार की सुबह शहर के 5 केंद्रों पर वैक्सीन लगना शुरू हुआ, जिसके लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। जिले में शुक्रवार को 127 ग्राम पंचायतों के लिए अंदाजन 70% मतदान हुआ। मतदान को लेकर सुबह से लेकर शाम तक मतदाताओं में उत्साह बरकरार था। कांग्रेस नगर मेट्रो स्टेशन परिसर में अज्ञात आरोपी ने 1,37,000 रुपए की केबल चोरी कर लिया। यहां स्टेशन का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। जिले सहित राज्य के सभी किसानों को सोलर ऊर्जा आधारित पंप देकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के ऊर्जा मंत्री व जिले के पालक मंत्री ने 26 जनवरी तक 10,000 सोलर पंप देने का संकल्प लिया। अपराध शाखा की यूनिट 4 ने शुक्रवार की तड़के डकैती की फिराक में योजना बना रहे 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिससे आरोपियों के मंसूबे फैला पानी। शुक्रवार को मनपा के उपद्रव शोध दल ने मास्क न पहनने वाले 144 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 5 रुपए के जुर्माने के अनुसार 72,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस की नागपुर इकाई की ओर से संविधान चौक पर प्रदर्शन किया गया। शहर के तहसील पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, लेकिन जब मामले की गहराई से जांच और आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी एक शातिर अपराधी निकला। स्थानीय गंगाबाई घाट परिसर में एक बाइक की टक्कर में व्यक्ति की मौत हो गई। घटना 14 जनवरी की है। जिले के ग्रामीण व शहरी भागों में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी का जायजा पालक मंत्री नितिन राउत ने लिया। अधिकारियों की बैठक लेकर उन्होंने वैक्सीन के समुचित नियोजन करने के निर्देश दिए।